सो ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर उदय शाह एट साई करुणा मिशन, मैं आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करती हूँ। आई थिंक कर्मास के बाद ये एक ब्यूटिफुल वीक रहा अबाउट द पावर ऑफ माइंड। सर ने हमें बताया अलग अलग तरीके से कैसे हम हमारी साधना से जो भी हम एनर्जी को जनरेट करते हैं, हम किस तरह से अलग अलग चीजों के लिए अपने माइंड के थ्रू उसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम उस एनर्जी को अपनी माइंड योगा में लगा सकते हैं, उस एनर्जी को हम स्पिरिचुअलिटी, जैसा कि दिवाकर जी ने हमारे साथ शेयर किया, हम इमरजेंसी में उसे यूज कर सकते हैं। देन हमारे साथ सेशंस हुए जिसमें कि हमने समझा कि किस तरह से इस एनर्जी को हम अपने मटेरियलिस्टिक डिजायर्स और गोल्स के लिए भी अचीव कर सकते हैं, विच इज टोटली फेयर। जैसा कि कल हमें नीता मैम ने बताया कि बेसिकली ये जो हमारी जर्नी है सोल की, इस पे जब तक हम अपने फिजिकल डिजायर्स, अपने मटेरियलिस्टिक डिजायर्स जब तक हम इन्हें अचीव ना कर ले, एक्चुअली इट मेक्स नो सेंस कि हम निर्वाणा हम नहीं टोटली अचीव कर सकते, बिकॉज ये एक ही सिक्के के बेसिकली दो पहलू हैं और ये साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे। पहले मेरा भी कॉन्सेप्ट होता था कि आई थिंक स्पिरिचुअलिटी का ये मतलब है कि हमें अपने मटेरियलिस्टिक गोल्स और डिजायर्स से भी डिटैचमेंट चाहिए, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे हम सर की गाइडेंस में और हमारी नॉलेज बढ़ी, तो हमें धीरे धीरे ये रियलाइज हुआ दैट दीज थिंग्स आर ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज सर हमें ये सिखाते हैं कि हम जिस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, हम अपनी फैमिली के साथ रह के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे करते हुए, क्योंकि हम स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं, इसीलिए इन सब गोल्स को भी हमारे लिए अचीव करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने पूरे वीक में देखा कि किस तरह से हम इस एनर्जी को अपने माइंड के थ्रू डिफरेंट चीजों में यूज कर सकते हैं, लेकिन आज एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे कि हम इस एनर्जी को अपने माइंड के थ्रू क्या नया करने में यूज करेंगे। वो आई विल एक्सप्लेन यू ड्यूरिंग द सेशन कि हम उसको आज उस एनर्जी को कहाँ फोकस करने वाले हैं बेसिकली। लेकिन आई थिंक आज का जो मेडिटेशन है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए यू ऑल ऑफ अस विल हैव टू लाई डाउन, बिकॉज हम एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस लेने वाले हैं। सो अगर इन द मीनवाइल किसी भी पार्टिसिपेंट को कोई अरेंजमेंट करना है वो कर सकते हैं। एंड सिंस वी हैव टू फोकस अ लिटिल मोर, सो डायरेक्टली सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक 5 मिनट्स का बहुत एक शॉर्ट अपने आप को सेंटर करेंगे और आज की जो होने वाली मेडिटेशन है उसके लिए वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स। सो ये मेडिटेशन आप बैठ के कर सकते हैं, बट द सब्सिक्वेंट मेडिटेशन विच विल बी फॉलोड इन द सेशन हैज टू बी डन वाइल लाइंग डाउन। सो अभी सभी मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी आईज क्लोज कर लें। धीरे धीरे अपनी श्वासों को गहरा और धीमा महसूस होता हुआ कर देखें। Allow your body to relax more and more. अपने शरीर को धीरे धीरे शिथिल अवस्था में आने दें। Allow your mind also to come in state of peace. सिर्फ अपनी श्वासों पर ध्यान करने से हम इन दोनों ही अवस्था पे जल्द ही आ जाएंगे।
अपने ध्यान को केवल और केवल अपने श्वासों की गति पर रखना है। अपने मास्टर्स की ब्लेसिंग सीख कीजिए। उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आज वो इस सेशन में अपनी उपस्थिति को आपके आसपास बनाए रखें। और इस बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस को, इसका अनुभव करने के लिए आपकी हेल्प करें। Now very slowly, come back to the present moment. And gently open your eyes. So once again, I extend a very warm welcome on behalf of Dr. Udesh Shah and Sai Karuna Mission. आज के सत्र में मैं सभी participants का स्वागत करती हूँ, क्योंकि आगे आने वाले समय में हमें एक बहुत ही beautiful meditation का experience लेना है, जिसमें हो सकता है हमें थोड़ा ज़्यादा समय लगे, इसलिए हम फौरन अपने session को start करेंगे। बहुत थोड़ा सा उसपे theory part है, but it is important to understand before we can experience this meditation. जैसा कि आप सब अपनी screen पे देख पा रहे हैं, आज का subject है beyond death, मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के बाद। ऐसा सुना गया है, ऐसा कहा जाता है कि जितने भी हमारे परेशानियां, जितने भी हमारे दुख, चाहे वो हमारे शारीरिक स्तर पे हो, चाहे हमारे मेंटल स्टेट पे हो, हमारे इमोशनल स्टेट पे हो, इसका बहुत बड़ा कारण हमारा ये हमारी ये फिजिकल एग्जिस्टेंस है।
जो हमारा ये शरीर है, जो हमारी ये फिजिकल फॉर्म है, इसके लिए ही हमें बहुत सी चीजों को, बहुत से डिजायर्स को फुलफिल करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं उन डिजायर्स को फुलफिल करने के रास्ते में हम बहुत से दुख को एक्सपीरियंस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, मेंटल इश्यूज, इमोशनल इश्यूज. ये दुख किसी तरह के नेगेटिव इमोशन के फॉर्म में हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, फियर, इनसिक्योरिटी, हेट्रेड, जेलसी, ईर्ष्या, पेन. पेन का भी अलग अलग नेगेटिव इमोशंस के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं. किसी को कोई रिश्ता दुख देता है, किसी को कोई शारीरिक बेसिकली हेल्थ इश्यूज दुख देते हैं. सो ये सुना है और ये कहा जाता है कि बहुत हद तक जितनी भी हमारी परेशानियां हैं वो हमारे फिजिकल फॉर्म से अटैच्ड है. और इसीलिए जब मृत्यु के बाद हम इस शरीर को त्यागते हैं तो ये मानते हैं कि उस पल सिर्फ एक हमारा प्योरेस्ट फॉर्म रह जाता है, वो है हमारी सोल. और इसीलिए आफ्टर डेथ, बियॉन्ड डेथ, हम जिस लाइफ का एक्सपीरियंस करते हैं दैट इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, दैट इज फुल ऑफ लव, फुल ऑफ पीस, फुल ऑफ जॉय. वहां सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव होता है, लाइट होती है. जितने भी इमोशंस हैं सब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होते हैं. अब ये मैं बात आपसे बार बार कह रही हूं कि ये सुना जाता है, लेकिन इसका प्रूफ क्या है कि एक्चुअली लाइफ डेथ के बाद एक्चुअली ऐसी ही ब्यूटीफुल लाइफ होती है. जब इस बारे में थोड़ी सी हमने रिसर्च की तो हमें एक बहुत ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट मिला. हो सकता है आप में से बहुत से लोग इस कॉन्सेप्ट को जानते हो. This is Lazarus syndrome. Basically, इस पूरे concept के पीछे एक story छुपी है. Jesus Christ के एक बहुत अच्छे दोस्त थे जिनका नाम था Lazarus. Lazarus की अपनी reasons की वजह से death हो गई थी, और उनकी death के बाद उनकी last rites भी हो गई थी. उनकी लास्ट राइट्स पूरी होने के बाद उनकी सिस्टर जीसस क्राइस्ट के पास आई, और उन्होंने जीसस क्राइस्ट से आके इस बात का दुख जताया कि किस तरह से वो अपने भाई की डेथ के बाद, बेसिकली उनकी डेथ के बाद वो बहुत दुखी है. और उन्होंने जीसस क्राइस्ट से ये प्रेयर की कि आप इतने पावरफुल है, यू आर नेक्स्ट टू गॉड, आप कोई ऐसा मिरेकल क्यों नहीं करते जिससे कि हम अपने भाई को वापस पा सके. सो 4 days बाद जीसस क्राइस्ट ने उसकी बहन को उस स्टेट में देखकर वापस से लजारस को अपनी डेथ, अपनी बरियल से वापस जिंदा किया. ही ब्रॉट हिम बैक टू लाइफ. सो ये डेथ के बाद जो वापस लाइफ में आने का कॉन्सेप्ट है, उसी इंसान के बाद इस कॉन्सेप्ट को नेम कर दिया गया एज लजारस सिंड्रोम. बहुत सी रिसर्च हुई है जिसमें ये पता लगा है कि लजारस के बाद ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस सिंड्रोम को एक्सपीरियंस किया है. मतलब उन्होंने मृत्यु को एक्सपीरियंस किया, उनकी मौत हुई, और वेरिंग फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, कुछ लोगों को मृत्यु के बाद लाइट दिखी, कुछ लोगों को मृत्यु के बाद अपने देवी देवता दिखे, कुछ लोगों को मृत्यु के बाद एंजल्स दिखे, और वही कुछ लोग थे जिन्होंने अनकंडीशनल लव, फ्रीडम, पीस, जॉय, ऐसे अलग अलग इमोशंस को एक्सपीरियंस किया, और वापस वो अपनी उन्होंने लाइफ को दोबारा से गेन किया. सो इन लजारस के बाद इस कॉन्सेप्ट को लजारस सिंड्रोम नेम कर दिया गया. और कुछ लोगों ने, जिन्होंने ये एक्सपीरियंस लिया, जब उनसे बाद में पूछा गया तो उन्होंने एक्चुअली इस बात को अफर्म किया कि डेथ के बाद उन्होंने अलग अलग तरीके से अपने देवी देवताओं से वो मिले, उन्होंने लाइट देखी, लव देखा, फ्रीडम देखी, जॉय देखा. सो बेसिकली इन लोगों के एक्सपीरियंस के बाद, इनसे ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, और अगर आप इस पे सर्च भी करेंगे तो आपको बहुत से इस पे आर्टिकल्स मिलेंगे जब डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया. सो इन लोगों से बात करने के बाद ये सिद्ध होता है कि डेथ के बाद जो लाइफ है दैट इज मोर पीसफुल, दैट इज उसमें ज्यादा जॉय है,
रीजन एक ही है कि उसमें क्योंकि आपका कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट से आपने शरीर से क्योंकि आपने मुक्ति ले ली है, और बहुत हद तक हमारी जो सफरिंग है वो हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस से जुड़ी हुई है. दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन कि क्यों हम डेथ के बाद हम ये मान सकते हैं कि एक्चुअली लाइफ एक बिल्कुल अलग मोड़ ले लेती है. लेकिन क्योंकि हम लोग सिंस हम लोग डॉक्टर शाह के गाइडेंस में हैं और हम लोग स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनके गाइडेंस में हमने नई नई चीज़ों को सीखा है. सर ने हमें ये भी सिखाया है कि कैसे हम जीवित रह के अपने लिए हेवन का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वैसे ही आज इस सेशन में सर हमें ये सिखाना चाहते हैं कि हम इतने पावरफुल हैं, हमारी साधना में इतनी शक्ति है, हमारे अंदर इतनी एनर्जी है, हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि आज के सेशन में हम ये करेंगे कि हम अपनी एनर्जी को और अपने माइंड को फोकस करके वो एक्सपीरियंस लेंगे जो ज्यादातर लोग बियॉन्ड डेथ लेते हैं. हमें सर से ये सीखना है बेसिकली कि कैसे हमें जीवित रह के इन नेगेटिव इमोशंस, इस नेगेटिव डिजायर्स और बेसिकली नेगेटिव थॉट पैटर्न्स और शारीरिक जितनी भी हमारे में बीमारियां हैं वो रहेंगी. जैसा कि पिछले सेशन में हमने कहा था कि हमारे सेल्स में वो बेसिकली इनबिल्ट है, लेकिन हमें उसकी परेशानियों से ऊपर उठ के, इन सबसे परे उठ के आज हमें लव, लाइट, अनकंडीशनल लव और पीस का कंप्लीटली एक उस लाइफ का एक्सपीरियंस लेना है जो बहुत से लोग बियॉन्ड लाइफ लेते हैं. इसीलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आज के हम मेडिटेशन में लेट जाएं, बिकॉज एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस हम लेंगे और उसके बाद हम सेशन के बाद चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम लोग डॉक्टर शाह की ब्लेसिंग से और उनकी गाइडेंस में रहकर किस तरह से हम जीवित रह के वो एक्सपीरियंस लेते हैं, ले सकेंगे, जिसे कि लोग बियॉन्ड लाइफ लेंगे. So, और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी लेट जाएं और हम आज के मेडिटेशन को स्टार्ट करेंगे. और मीनवाइल सब लोग सेटल हो रहे हैं, सो मैं ये बताऊंगी कि हम एक्चुअली ये इसलिए कर पाएंगे, हम ये एक्सपीरियंस को इसलिए बेसिकली इस अनुभव को आज मेडिटेशन में ले पाएंगे क्योंकि हम लोग बहुत लंबे समय से हम लोग सर की गाइडेंस में अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज को सीख चुके हैं. डिफरेंट सिंबल्स हम यूज करते हैं और जैसा कि सर हमसे बार बार शेयर करते हैं कि इन ज्योमेट्रिकल सिंबल्स की अपनी ही एक सिग्निफिकेंस है. दीज आर नथिंग बट बेसिकली दीज आर लैंग्वेज, दिस इज अ लैंग्वेज ऑफ गॉड. इन ज्योमेट्रिकल सिंबल्स में बहुत शक्ति है और आज हमें ये शक्ति हमें आगे ले जाएगी इस पाथ पे और हमें वो एक्सपीरियंस कराने में हमारी मदद करेगी. अब इसी चलते जैसे मैं बता रही हूँ कि कितने इंपॉर्टेंट ये सिंबल्स हैं, इसीलिए मैं उन लोगों को बताना चाहूंगी कि आज बहुत से लोग जो हमारे साथ इन हीलिंग मोडालिटीज को नहीं सीखे हुए हैं वो आने वाली हमारी जो रिट्रीट है उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वो सिंबल सीख के, वो हीलिंग मोडालिटीज को सीखने के बाद ये जो अलग अलग तरह की मेडिटेशन साई करुणा मिशन कराते हैं अपने इवनिंग सेशंस में, इनको टोटली एक्सपीरियंस करके इस सोल जर्नी में हम और भी आगे बढ़ सकते हैं. किसी रीजन की वजह से अगर लोग ट्रैवल नहीं कर सकते तो साई करुणा मिशन उन लोगों को ऑनलाइन सीखने की भी अपॉर्चुनिटी देता है. जैसे कि इस सैटरडे संडे मंडे हमारी ऑनलाइन रिट्रीट चल रही है जिसमें हम डिफरेंट हीलिंग मोडालिटीज सिखा रहे हैं. कल यानी कि संडे को हम लोगों की करुणा रेकी की हीलिंग मोडालिटी सिखाई जाएगी और परसों मनी अबंडेंस की सिखाई जाएगी. जो भी लोग हीलर्स हैं और ये सारी मोडालिटीज जानते हैं वो बेस्ट जज है इस बात को, वो प्रूफ कर सकते हैं कि किस तरह से ये सिंबल्स उनको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस लेने में उनकी हेल्प करते हैं. सो अब और समय ना लेते हुए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि लेट जाए और बहुत ही जेंटली अपनी आईज क्लोज कर लें. पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर. शरीर को ढीला छोड़ दे.
Very slowly breathe in and slowly breathe out. देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी नासिका से आपकी श्वास से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। और धीरे से ये श्वास से वापस उसी रास्ते चल बाहर आ रही है। Gently breathe it and breathe out. Breathe it and breathe out. देखिए कैसे ये श्वास आपकी नासिका से होते हुए आपके विंड पाइप को क्रॉस करते हुए धीरे धीरे आपके फेफड़ों में आपकी लंग्स में भर रही है। कुछ क्षण इन श्वासों को होल्ड कीजिए। एंड नाउ स्लोली रिलीज। अब इन श्वासों को वापस बाहर की ओर छोड़िए। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी में होते हुए परिवर्तन को महसूस करें। धीरे धीरे आपकी श्वासों की गति गहरी हो रही है। और जैसे जैसे ये गति धीमी और गहरी होती है हमारी सूक्ष्मता नाड़ी पूरी तरह से एक्टिवेट होने के लिए तैयार है। अपने मास्टर्स अपने देवी देवताओं आवाहन कीजिए। उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए।
जितने भी हीलर्स आज हमारे साथ जुड़े हैं, वो रेकी और करुणा रेकी का भी आवाहन कीजिए। बाकी सभी लोग ब्रह्मांड से आती हुई दिव्य ऊर्जा का आवाहन कीजिए। सभी सिंबल्स को, व्हाइट लाइट को अपने क्राउन चक्र से अपने शरीर में प्रवेश करता हुआ देखें। हजारों और लाखों की तादाद में सभी सिंबल्स क्राउन चक्र से आपके शरीर में प्रवेश कर आपके शरीर के एक एक हिस्से में भर रहे हैं। व्हाइट लाइट क्राउन चक्र से आपके शरीर में प्रवेश कर शरीर के एक एक अंग को एनर्जाइज कर रही है। बढ़ती हुई इस ऊर्जा को अपने शरीर में महसूस करें और उसे बिना किसी रुकावट के बहने दें। सूक्ष्मता नाड़ी की एक्टिवेशन से बढ़ती हुई ऊर्जा के फ्लो से धीरे धीरे हमारी जागरूकता अपने असीम स्तर पर पहुंच रही है और इस बढ़ती हुई जागरूकता के साथ धीरे धीरे हमारी चेतना भी बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई चेतना के साथ अपने माइंड में, अपने मन में किसी भी एक डेट, किसी भी एक तारीख की कल्पना कीजिए। तारीख महीना और साल, इन तीनों चीजों को आप क्लियरली अपने सामने देख पा रहे हैं। आपकी चेतना, आपके देवी देवता पूरी तरह से आपके साथ है। उस तारीख को आप अपने मन में कही नोट कर लीजिए। अब देखिए आपके सामने
एक घड़ी है, उस घड़ी में समय को देखने का प्रयास कीजिए। जो समय उस घड़ी में हो रहा है वह सुबह का वक्त है या शाम का वक्त है या रात का वक्त है, इस बात को भी तय कर लीजिए। आपका निर्धारित समय, निर्धारित तारीख आपके सामने है। कुछ ही पल बाद आपको यह एहसास होता है कि आपके बगल में कोई बैठा है। जब आप उससे उसका परिचय लेते हैं तो वो आपसे कहता है कि मैं यमराज हूं और घड़ी में हुए इस समय के ठीक 10 मिनट बाद तुम्हें आज मेरे साथ चलना है। इस बात को सुनकर आपका धैर्य बना हुआ है क्योंकि आपकी चेतना असीम स्तर पे है। आपके देवी देवता आपके साथ है। तभी एक काले रंग की पोटली वो आपके सामने रख देता है और कहता है कि मेरे साथ चलने से पहले जो भी तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर नकारात्मक है, नेगेटिव है या तुम्हें दर्द दे रहा है, उस भाव को, उस तकलीफ को अपने से अलग कर इस पोटली में डाल दो। बिना कोई सवाल किए आप अपने अंदर के सभी नकारात्मक भाव, भावनाएं, सभी शारीरिक तकलीफ, सभी दर्द, सभी पीड़ा, सभी ब्लॉकेजेस सभी बिलीफ सिस्टम्स अपने से अलग कर उस काले रंग की पोटली में डाल देते हैं। आपका समय
धीरे धीरे बीत रहा है, जैसे जैसे उस घड़ी में सबसे लंबी सुई आगे की ओर बढ़ रही है, तभी यमराज उस पोटली को टाइट से बांध कर दोनों हाथों से आसमान की ओर ब्रह्मांड में ऊपर की ओर फेंक देता है। उस पोटली को धीरे धीरे आप अपने से दूर आसमान में और ऊंचाई की ओर जाता हुआ देख पा रहे हैं। धीरे धीरे उस पोटली का साइज छोटा छोटा और छोटा हो रहा है, जितनी ऊपर वो पोटली जा रही है। वो पोटली आपके देखते ही देखते ऊपर आसमान में एक छोटी काली सी बिंदी की आकार की हो गई है। तभी अचानक आप कोई वाइब्रेशन सा फील करते हैं, और आप देखते हैं कि धीरे धीरे वो काली सी बिंदी ने अपना आकार अपना रूप बदल लिया है। वह आकाश में स्थिर है, एक ही जगह पर है, लेकिन धीरे धीरे आप उसकी ओर बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा और ज्यादा जब आप ध्यान देते हैं तो आप देखते हैं कि यमराज का हाथ पकड़े आप ऊपर आसमान की ओर जा रहे हैं। तब एकाएक आपको एहसास होता है कि आप अपने शरीर को त्याग के मृत्यु से आगे बढ़ गए। आपको किसी बात का कोई दुख, कोई संकोच, कोई मलाल नहीं है। जैसे जैसे आप और ऊपर की ओर जाते हैं, आप देखते हैं कि आसमान में जिस पोटली को आप देख रहे थे उसने एक नया आकार ले लिया है। वो आकार आपके देवी देवता के रूप में हो सकता है, वो आकार एक लाइट के रूप में हो सकता है, वो आकार किसी सिंबल के रूप में हो सकता है, पीस के रूप में हो सकता है,
अनकंडीशनल लव के रूप में हो सकता है, फ्रीडम के रूप में हो सकता है। जिस स्पीचीज को आप देख पा रहे हैं वो आकार आपके लिए उसी रूप में है। वो आकार आपके एंजल्स के रूप में हो सकता है। धीरे धीरे आप उस आकार के और समीप और करीब और पास पहुंच रहे हैं। आप बहुत प्रसन्न हैं। आपकी जागरूकता आपके असीम स्तर पे है, आपकी चेतना आपके असीम स्तर पे है। आप हर दर्द हर पीड़ा से मुक्त हैं। हर परेशानी से परे हैं। कोई ऐसी बेड़ी शेष नहीं रह गई है जो आपको बांधे हुए है। आप अत्यंत प्रसन्न हैं। जैसे जैसे आप उस आकार के उस रूप के निकट आकर उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, तभी वहां से आवाज आती है कि आप समय से पहले यहां आ गए हैं और आपको वापस जाना होगा। आप रेजिस्ट करते हैं, मना करते हैं। जब आपसे कारण पूछा जाता है तो आप कहते हैं मृत्यु के बाद कि ये दुनिया बहुत अच्छी है। आप अपने आसपास बहुत से लोगों को देख पा रहे हैं। कुछ लोगों को आप पहचानते हैं, कुछ को आप नहीं पहचानते, लेकिन फिर भी आप इन्हीं के साथ इसी दुनिया में रहने की हट करते हैं, जिद करते हैं। नया सा वो रूप, नया सा वो आकार आपसे ये कहता है कि ये आत्मा का नियम है कि जब तक आप सभी एक्सपीरियंसेस सभी लेसन्स सभी प्रारब्ध कर्मा की हीलिंग या उनको डील ना कर ले, आप ऊपर नहीं आ सकते। आप एक बार फिर प्रयास करते हैं और उस आकार से कहते हैं कि ये दुनिया बहुत अच्छी है, यहां पर सब कुछ केवल और केवल सकारात्मक है, पॉजिटिव है, लव है,
लाइट है, पीस है, जॉय है, फ्रीडम है, तभी वो आकार आपको समझाती है कि धरती पे भी ये सब कुछ है, प्यार है, रोशनी है, स्वतंत्रता है, जॉय है, शांति है, धरती पे जितनी भी नकारात्मक चीजों का हम अनुभव कर रहे हैं वो स्वयं हमारी ही वजह से है। लेकिन आज हमने अपने अंदर की सभी नकारात्मक चीजों को पोटली में डाल ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को समर्पित कर दी है और यूनिवर्स ने उन सभी नकारात्मक चीजों को तब्दील कर उनको लव और लाइट में परिवर्तित कर दिया है। आपकी चेतना आपके असीम स्तर पे है, और इसी बड़ी हुई चेतना के चलते आप सब कुछ समझ पा रहे हैं। उस आकार से मिलकर आप बहुत प्रसन्न हैं, उसकी बात समझकर आप बहुत प्रसन्न हैं। और जो भी बातें उस आकार ने आज आपसे कही है आप उन्हें स्वीकारते हैं। और अपने इस लाइफ के सभी लेसन्स को पूरा करने के लिए, सभी एक्सपीरियंसेस को लेने के लिए, सभी प्रारब्ध कर्मा को जिनको हमने स्वयं इस जीवन काल के लिए चुना था, उनको हील करने के लिए और उनके साथ डील करने के लिए आप तैयार हैं। लेकिन एक संकल्प के साथ, एक वादे के साथ कि आप एक बार फिर शारीरिक रूप में प्रवेश कर अपने आसपास ऐसा ही वातावरण बनाएंगे जो आप इस समय मृत्यु के उपरांत महसूस कर पा रहे हैं। आप अपनी चेतना को, अपनी जागरूकता को, प्रेम को, शांति को इसी रूप में बनाए रखेंगे और किसी भी नकारात्मक भावनाओं को,
रिश्तों को, ब्लॉकेजेस को और बिलीफ्स को जिनसे आज आपने आजादी पाई है, उन्हें अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। आपका संकल्प दृढ़ है, आपके मास्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। इस नए आकार की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। और इस नए आकार की बात स्वीकार कर आप वापस नीचे की ओर, धरती की ओर धीरे धीरे डिसेंड कर रहे हैं, नीचे की ओर आ रहे हैं। अचानक शरीर में एक वाइब्रेशन, वही तारीख आपके सामने, घड़ी में वही समय, खिड़की से धीरे धीरे सूर्य की किरणों का प्रवेश, और आपको यह एहसास होता है कि इस जीवन काल का एक और नया दिन आज शुरू हो गया है। कुछ पल शांत रहकर इस एक्सपीरियंस को समझेंगे और महसूस करेंगे। समय आ गया है सभी उन चीजों का, उन शक्तियों का धन्यवाद करने का, अपने देवी देवताओं का आभार व्यक्त कीजिए। इस नए आकार का आभार व्यक्त कीजिए रेखी और करुणा रेखी का आभार व्यक्त कीजिए, सफेद ऊर्जा का आभार व्यक्त कीजिए, अपने शरीर का आभार व्यक्त कीजिए, जितने भी लोग आज हमारे साथ इस सत्र में जुड़े उनका भी आभार व्यक्त कीजिए।
तीन गहरी श्वासें, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल और एक्सेल। धीरे से अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को चलाते हुए एक मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलें। So welcome back. So सर ने हमें बहुत से ऐसे टूल्स दे दिए हैं कि जिन चीजों को लोग आज से आने वाले बहुत समय बाद इस्तेमाल करते और एक अलग एक्सपीरियंस लेते, उन टूल्स को यूज कर हम वो सभी एक्सपीरियंसेस इतनी तेजी से ले पा रहे हैं, इतनी स्पीड से ले पा रहे हैं और इतनी फास्ट ले पा रहे हैं। जिस तरह के पूरे वीक अलग अलग मेडिटेशंस हुए हैं, हमें सर ने इस बात का एहसास दिला दिया है कि हम कोई आम इंसान नहीं है। हमें सर ने इतना ज्ञान, इतनी एनर्जी, इतने अच्छे अच्छे तरीके हमें दे दिए हैं कि अब हम एक्चुअली इस धरती पे रह के इस जीवन को अपने व्यतीत करते समय हम हर उस नेगेटिव चीज से खुद ही दूर होते चले जा रहे हैं और एक्चुअली हमें अब अच्छे एक्सपीरियंसेस को लेने के लिए अपनी मौत को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम जीवित रहकर ही उन सब चीजों को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। सो हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम सर के साथ हैं और सर को हम अपने तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि जितना ज्ञान सर हमें दे रहे हैं और जिस जिस तरह से सर बिना किसी स्वार्थ के हमारे एवोल्यूशन में निरंतर लगे हुए हैं, ऐसे गुरु बहुत कम होते हैं। सो हम जितना उनकी तरफ इस कृतज्ञता के भाव को रखें उतना कम है। सो आज के इसी नोट के साथ समय आ गया है कि हम आज के सेशन को एंड करें और इस सीरीज को कल अमन जी अपने आखिरी इस सेशन के साथ कंक्लूड करेंगे और नए हफ्ते में एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नई सीरीज के साथ साई करुणा मिशन एक बार फिर आपके सामने होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, गुड नाइट।